सभी को नमस्कार। आप जानते हैं कि गिलोय सर एक बात बहुत बोलते रहते हैं कि खलक की आवाज खुदा की आवाज होती है, तो जो खलक की आवाज है वो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। दरअसल में ये चार होटल हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो खलक की आवाज आती रहती है, इसमें गहलोत साहब है, वैभव गहलोत साहब है, उनका परिवार है, उनका पैसा लगा हुआ है, और आपको पता है फेयर माउंट में काफी दिनों तक एम्बुलेंस रुके थे जब सरकार पे संकट आया था, और उसके बाद में अरावली ताज में भी जो उदयपुर में है वहां भी एम्बुलेंस रुके थे। गहलोत साहब जब भी उदयपुर जाते हैं तो अरावली ताज में रुकते हैं, और वैभव गहलोत साहब जब उदयपुर जाते हैं तो रेफर में रुकते हैं। रेफर तो मैं सबसे पहले रेफर की जानकारी देना चाहता हूँ। रेफर एक होटल है जो करीबन 1500 करोड़ रुपए इसमें लगा है, और ये उदय सागर झील में है। थोड़ा देखो मैं समझ ज्यादा लूंगा, आप अधीर मत हो जाना, बोर भी मत हो जाना, लेकिन प्रमाण ऐसे दूंगा कि गहलोत साहब जो है जो अब तक काले कारनामे कर रहे हैं वो आप जनता के बीच में दोगे तो पता लगेगा कितने गांधीवादी हैं और किस जादूगरी से काला धन कमाया। तो ये उदय सागर झील में एक आदिवासी की जमीन थी, उसमें होटल रतन बनी है। रतनकांत शर्मा एवं वैभव गहलोत, ये खलक की आवाज है उदयपुर। इसमें साझेदार हैं। 7 जुलाई 2008 में वर्धा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक मुंबई की कंपनी है, उदयपुर के समीप उदय सागर झील के टापू की भूमि को रूपांतरण कर 102 कमरे की होटल बनाने की अनुमति यूआईटी उदयपुर से मांगी थी। यह भूमि एक गरीब आदिवासी की थी। यूआईटी उदयपुर ने उक्त कंपनी को 8 हेक्टर भूमि में से 2 हेक्टर भूमि जो कि झील के हाई फ्लड लेवल से ऊपर थी उस पर गैर कानूनी रूप से निर्माण करने की स्वीकृति दे दी। 8 में से 2 हेक्टर, इसी 2 हेक्टर भूमि को कृषि से होटल, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, रूपांतरित कर दिया गया, और इस शर्त के साथ ही 6 हेक्टर भूमि जो शेष है वो कृषि परियोजना काम में ली जाएगी। होटल व्यवसाय द्वारा संपूर्ण 8 हेक्टर भूमि पर, ध्यान से सुनना, संपूर्ण 8 हेक्टर खातेदारी की भूमि पर 4 मीटर ऊंची दीवार बनाकर मिट्टी से भराव कर इस जमीन को झील के पेटे से बाहर ले लिया, झील को अलग कर दिया, और ये कार्यस्थली की है। जब इसकी शिकायत हुई तो माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा भी उक्त होटल के निर्माण को अवैध मानते हुए ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, किंतु उस होटल का अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं हुआ। वर्ष 2014 में वर्धा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उदय सागर झील में सड़क निर्माण की अनुमति मांगी थी। सड़क निर्माण की अनुमति नहीं दी तो उसने सड़क का निर्माण कर दिया। शिकायत हुई तो तहसीलदार ने सड़क हटाने का निर्देश दिया, लेकिन वो सड़क आज तक नहीं हटी। सुप्रीम कोर्ट से एक रिपोर्ट मांगी गई 2016 में, और उसके बावजूद भी
वो सड़क बना दी गई और झील का स्वरूप बिगाड़ दिया गया। 2 फरवरी 2017 को राजस्थान सरकार ने पीएचईडी के चीफ इंजीनियर ने होटल के लिए सभी अनुमोदित नक्शों को गलत पाया, एक जांच कराई, गलत पाया। इस पर सरकार ने सभी दोषी अधिकारियों को विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन अभी तक आज तक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 2018 में गहलोत सरकार जब पुनः सत्ता में लौट आई, अब आने के बाद वर्धा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को यूडीएच विभाग ने 2019-20 में गैर कानूनी रूप से 40 कमरे और बनाने की परमिशन दे दी, या माननीय शांति धारीवाल जी ने परमिशन दे दी नियमों के विरुद्ध। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सब जुडिस मैटर होने के बाद भी यूडीएच मंत्री माननीय शांति धारीवाल ने होटल निर्माण की स्वीकृति देकर कानून का खुलम खुला उल्लंघन किया है और गहलोत परिवार को उपकृत किया है। गहलोत की सनलाइट कार रेंटल सर्विस से प्राइवेट लिमिटेड का भी इस होटल से कालो कारोबार चल रहा है। होटल ए, होटल दो, ताज अरावली, ये बॉम्बे के राजीव आनंद और वैभव गहलोत के साझे में बताई जा रही है। ये खलक की आवाज है और इसमें इस ताज और होटल ताज अरावली में उदयपुर की अमर जोक नदी, जो उदयपुर के पीने के पानी के लिए झील पिछोला में जाके इसका पानी मिलता है, जिससे देवास परियोजना बनी है उदयपुर के ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इस नदी में एक सड़क बना दी गई, सौंदर्यकरण कर दिया गया और 10 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से सड़क बनाने, नदी को भरने और सौंदर्यकरण के लिए खर्च किए। अब जब सोनिया गांधी वहां पर आई थी, राहुल गांधी प्रियंका आए थे, 3 दिन का शिविर चला था। अब इसमें कांग्रेस के क्या क्या कार्यक्रम हुए, इस होटल में कांग्रेस पार्टी का 13 मई 2022 से 15 मई 2022 तक कांग्रेस का चिंतन शिविर चला। उसके बाद इसी होटल में 2022 के राज्यसभा के चुनाव में समस्त विधायकों की बाड़ाबंदी की गई। वह 5 जनवरी 2023 को उदयपुर संभाग के सभी कांग्रेसी नेताओं की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति की मीटिंग भी यहां पर हुई। होटल में से पिछोला झील में गंदा पानी डाला जा रहा है, वो एक अलग बात है। प्राकृतिक नदी पर अतिक्रम का रास्ता निर्मित कर तथा भराव डालकर नदी के पेटों को पाट दिया, ये जोधपुर राजस्थान उच्च न्यायालय के अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार के आदेशों का खुला उल्लंघन है। इसी प्रकार UIT द्वारा वन भूमि व चरागाह भूमि को अवैध रूप से होटल व्यवसायी को आवंटित कर दिया। इस होटल को UIT द्वारा सिंचाई विभाग की भूमि को अवैध रूप से होटल व्यवसायी को दे दिया। 2023 में 4 हेक्टेयर भूमि और दे दी। 2022-21 में मैं गया था वहां आंदोलन करने, तो जब चिंतन सवर कांग्रेस का लगा था तब मैंने कहा कि ये अवैध है, निर्माण फॉरेस्ट में है, चरागाह में है, कोर्ट के आदेश के विपरीत है, तो मेरे को उदयपुर से जिला बदर कर दिया था। सांसद किरोड़ीलाल को पुलिस ने किया जिला बदर, पत्रिका में, भास्कर में, इंग्लिश के पेपर में जिला बदर कर दिया। जब मैं इसका विरोध करने गया कि आदिवासी की जमीन, सिंचाई विभाग की जमीन और बहाव को रोक के होटल बनाई गई है, तो मेरे को वहां से जिला बदर कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। और ये दूसरा, ये राजस्थान की या देश की हो सकता है पहली एक ऐसी होटल है जिसको सिंचाई विभाग नियमों के विपरीत
सिंचाई विभाग की जमीन लीज पर दे दी, सरकारी विभाग की जमीन लीज पर दे दी, सरकारी भूमि पर कब्जा करके गाड़ियों की पार्किंग बना दी, होटल अवैध रूप से बिना किसी नक्शे के निर्माण कर दी, ये उस होटल का मामला है।